आज मैं क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करके दिखाऊंगी। ये ट्रू और फॉल्स टाइप ऑफ क्वेश्चन है। द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। हम लोग ये स्टेटमेंट प्रीवियसली पढ़े हैं कि जब एक ट्रायंगल होता है उसके तीन एंगल्स को जब हम लोग ऐड करते हैं हमेशा एवरी केस में टोटल 180 डिग्रीज होता है। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, ए ट्रायंगल कैन हैव टू ऑफ इट्स एंगल्स ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो इसको थोड़ा हम लोग समझेंगे। मान लीजिए एक ट्रायंगल है तो इसके दो एंगल्स ग्रेटर देन 90 डिग्री है। तो एक को हम लोग 100 डिग्रीज लेते हैं, एक को 95 डिग्री लेते हैं। अगर हम लोग ये दो एंगल्स को ऐड करेंगे तो 100 डिग्री प्लस 95 डिग्री इक्वल टू 195 डिग्री। तो हमें पता है जैसे कि सम ऑफ थ्री एंगल्स जो होते हैं ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। जो ये स्टेटमेंट ए है ये हमेशा ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल होता है। बट यहाँ देखिए जो दो एंगल्स है उनका सम ऑलरेडी 180 डिग्री से ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ इस केस में जो दिया गया है कि ट्रायंगल के अगर दो एंगल्स मोर देन 90 डिग्री है वो हो सकता है एप्लीकेबल। एप्लीकेबल मतलब ऐसे एक ट्रायंगल हो सकता है जिसके दो एंगल्स ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो वो पॉसिबल है ही नहीं। क्योंकि अगर दो एंगल्स मोर देन 90 डिग्री है तो उनका सम ऑलरेडी ग्रेटर देन 180 डिग्री है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज़ ऑल ऑफ इट्स थ्री साइड्स इक्वल इन लेंथ। तो हम लोग ये जैसे पहले पढ़े थे जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसके तीन साइड्स का लेंथ हमेशा सेम होता है। तो ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। तो ये जो स्टेटमेंट है थ्री साइड्स इक्वल इन लेंथ इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, वन एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये देखिए जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है जो हम लोग पहले पढ़े थे उसका हमेशा एक एंगल 90 डिग्रीज होता है और दो एंगल एक्यूट होते हैं। तो ये भी हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। मैं ये इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन की थी ऐसे, यानी वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, रेस्ट टू एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स। ए ट्रायंगल हुज ऑल द थ्री साइड्स आर डिफरेंट इन लेंथ इज कॉल्ड एन आइसोसेलिस ट्रायंगल। तो हम लोग जैसे प्रीवियसली डिस्कस किए थे एक ट्रायंगल जिसके तीन साइड्स डिफरेंट इन लेंथ होते हैं उसको स्केलिन ट्रायंगल कहा जाता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमारा फॉल्स है। ऐसे हम लोग इंट्रोडक्शन में पढ़े थे ऑल द साइड्स आर डिफरेंट इन लेंथ तो उसको स्केलिन ट्रायंगल कहा जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 ख़त्म होता है।